हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त अलियान मीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको कॉलोनी का सेटअप कराएंगे। कॉलोनी में हर तरह का कॉकटेल रखे हुए हैं, फीचर रखे हैं। इसका रिजल्ट दिखाएंगे क्या प्रोग्रेस ही हमें दे रहे हैं और इसकी फीड भी दिखाएंगे क्या इसको मैं खाने में फीड दे रहा हूँ। तो लेट्स गो, चलते हैं। टाइम शॉर्ट है, मगरब हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा। कॉकटेल को मैंने कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था। गर्मियाँ थी तो पिंजरों में नहीं थे, पिंजरों से मैंने उसको कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें ना, धूप का मसला होता है। ये पर्दे भी डाले हुए, रात को ठंड ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमें ठंड लगती है वैसे परिंदों को भी ठंड लगती है। तो इसलिए अब मैं देखूँगा कॉकटेल अगर प्रोग्रेस यहाँ पे कर रहे हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इनको यहीं पे रखेंगे, अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो इनको हम पिंजरों में शिफ्ट कर देंगे छत पर धूप वाली जगह में। जैसे आप इंसानों के लिए धूप ज़रूरी है, वैसे इन जानवरों के लिए भी धूप ज़रूरी है। तो बेज़बानी ये तो हमें नहीं बताएंगे ना। तो लेट्स गो, चलते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट आ रहा है जावा का, जावा बोल लूँ कॉकटेल का और फिंचो का। लेट्स गो, मैं अंदर जाऊँगा, आपको इसकी अपडेट दूँगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। अब बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ये पहली अंडी मैंने उठाई, पहली अंडी में देखें माशाल्लाह से 3 अंडे। अगर कैमरे दिखा सके तो 3 अंडे नज़र आ रहे हैं, 3 अंडे नज़र आ रहे हैं। सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं बाहर, ये देखें 3 अंडे नज़र आ रहे होंगे। ये पहली अंडी माशाल्लाह। ये फिंचे का रिजल्ट है। फिंचे मेरे ख्याल से सेट हो गई, फिंचे सेट हो जाती है ना, सोना बना देंगी ये। ये देखें अब दूसरी अंडी है, इसमें भी मेरे ख्याल से अंडे 4 नज़र आ रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सही से दिखा दें हमारा, फिर लोगों की शिकायत आएगी कि अंडे दिखे नहीं हमें सही से। मैं चाह नहीं रहा तो इनके अंडों का हाथ लगाऊं, उनमें ख़राब हो जाएंगे अंडे। थोड़ी सी जगह बना के मैं आपको दिखा रहा, वरना बाद लोग शिकायत करते हैं कि अंडे नहीं थे, दिखे नहीं। अगर कैमरा दिखा सके तो 4 अंडे नज़र आ गए, आ गए। चलो ये आ गई दूसरे नंबर की, इसको ढक देंगे। डर गए परिंदे मेरे आने के साथ ही, शोर मचाने लग गए। तीसरी हांडी आ जाए, नज़र आए तो, अगर माशाल्लाह से इसमें भी एक अंडा मौजूद है। ये आ गई तीसरी हांडी का रिजल्ट भी आपके सामने। अब ये बड़ी हांडी है, ये असल में कॉकटेल के लिए लगा दी है, और कॉकटेल ने इसमें ब्रीड नहीं करी तो जा पिंचों ने सोचा हम ही ब्रीड कर लें। नज़र आए तो 4 अंडे अलग अलग तरह से लुढ़के में आगे पीछे, नज़र आ रहे 4 अंडे माशाल्लाह। ये चौथी नंबर की हांडी है और इसमें 4 अंडे। इसी तरह अब ये 4 हांडियाँ होंगी, इसके बाद में आपको ये नीचे वाली हांडी दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह, इसमें भी एक अंडा, नज़र आ रहा है। व्यूअर्स को नज़र आना चाहिए भाई, एक अंडा मौजूद है, दिख रहा है। ये आ गई आपकी पांचवी नंबर की हांडी और इसमें भी एक अंडा मौजूद है। ये कॉकटेल की हांडी है, एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है कॉकटेल की हांडी में। अब मैं दिखाऊंगा ये आपको, ये पिंचो माशाल्लाह, नेस्टिंग चेक करें इसकी, नेस्टिंग और अंडे, 5 अंडे नज़र आ रहे होंगे कैमरा में, हैं कैमरा मैन बताए नज़र आ रहे हैं। नेस्टिंग देखें भरपूर, दिल खुश हो गए, दिल खुश हो गया देख के। उसके बाद आगे चले, ये एम परिंदे डर गए मेरी वजह से, सॉरी दोस्तों माफ कर देना। वीडियो बना रही हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। ये बड़ी आंटी एम्प्टी है, ये आंटी दी था, या अंडी भी एम टी है। कॉकटेल की अभी तक प्रोग्रेस नहीं आ रही है। ये एक बड़ी अंडी है कॉकटेल की, मैं खाऊँ जिसमें नेस्ट अगर दिख सके तो कैमरे में, नेस्टिंग की हुई है, खुद करी हुई है, और ये फिंच ने करी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूँ, फिंच ने करी हुई है नेस्टिंग कॉकटेल की हांडी में।
इनका बैठने का इंतजाम सही होने चाहिए, लकड़ी सही होनी चाहिए, सही तरीके से लगी होनी चाहिए। ये गिर गई थी जब हम एंटर हुए थे ना अंदर, ये गिर गई थी। इसको हम यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये सॉफ्ट फूड मैंने दिया है, मकई है, बिल्कुल नरम, दो रातों की भिगोई भी है। परिंदे शौक से खाते हैं, कॉकटेल का हर तरह के परिंदे का बहुत पसंदीदा ये फूड है, ये बहुत खुशी खुशी से खाते हैं। सिर्फ मकई ही नहीं, पालक हो गया, पालक के साथ आपका पुदीना हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, हर तरह का परिंदा खा लेगा अगर आप उसको अच्छी जगह देंगे। डंडी गिर गई है, परिंदे डर गए। मोटी कंगनी, ये पिंचो की है, मोटी कंगनी। बाकी कॉकटेल का दाना भी मैंने मंगाया, लड़के से बुला रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अच्छी तरीके से इसको हम दे देंगे। परिंदे का ख्याल रखना है, जैसे आप अपना अपना रखते हैं ना, वैसे ही परिंदे, जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं वैसे ही परिंदों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इनका पानी भी एकदम साफ होना चाहिए। अभी तो ये देखें थोड़ा गंदा हो गया, ये दिख रहा होगा गंदा हो गया, मैं इसको फेंक के इसको नया दूंगा, लड़के में नया पानी डाल देगा। बाकी ये एम्प्टी है, अभी कॉकटेल ने कोई प्रोग्रेस नहीं दिया, जैसे मैंने आपको बताया था इनको धूप नहीं मिल रही है तो ये प्रोग्रेस नहीं देना है। ये लड़का दाना ले आया है, अभी कॉकटेल को दाना देंगे, फिर देखते हैं कितनी शौक से खाता, आपको दिखाएंगे भी। बिस्मिल्लाह पड़ेगा बंदे से, फिर दूंगा मैं यहाँ पे, कॉकटेल खाएगा फिर आपको दिखाएंगे कितने शौक से खाएगी। मैंने आपको बताया भी था इसके लिए धूप ज़रूरी है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धूप नहीं आती, सुबह सुबह का वक्त है, धूप ही नहीं आती यहाँ पर, इसलिए लिहाजा इसकी शिफ्टिंग कर दूंगा मैं पिंजरों में, पिंजरों में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे इसके प्रोग्रेस देखेंगे क्या आ रही है। तो लेट्स गो, चलते हैं दूसरे कॉकटेल की तरफ। तो ये है एक कॉकटेल का पियर, ये इसका भी यही हाल था, यही सीन था कि इसको कॉलोनी में रखा था और इसको वहाँ पे धूप नहीं मिल रही थी, अब इसको यहाँ रख दिया सुबह सुबह का टाइम है, अब जैसे जैसे धूप आती जाएगी, सूरज ऊपर आएगा तो इनको धूप मिलती जाएगी। इनकी हमने हांडी में भी देखा, अगर कैमरे दिखाए तो फुल बुरादा वरादा डाल दिया है, अभी ये ब्रीडिंग पर आ गया है, फीडर भी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये ब्रीड करेगा, और जैसे ही ब्रीड करेगा तो आपको अपडेट भी देंगे। मैंने सूरजमुखी के बीज दिए, मकई दिया, मैं फूल है, तो ये इसका पसंदीदा होता है, ये हर परिंदे के लिए कुछ ना कुछ खास होता है, तो इसलिए भी ये खास होता है। मैंने कॉकटेल को दाना दिया आपको, तो अपनी फिंचों का अपना सेटअप दिखाया, किस तरह वो लोग सेट हो गई हैं। उम्मीद है जिन भाई के पास होंगे उनके पास भी ऐसी ब्रीड करें, अल्लाह से दुआ है। और सीज़न है, सीज़न में हर परिंदा ब्रीड करते हैं, जैसे मैंने आपको फिंचों की दिखाया। अब मसला ये है कि कॉकटेल को धूप नहीं मिल रही है, धूप ना मिलने की वजह से ये ब्रीड नहीं कर रहा, जिस तरह मैंने वहाँ पर वाइट कॉकटेल को पिंजरे में डाल दिया है, इसी तरह इनको भी यहाँ से पिंजरे में डाल दूँगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, और तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अगर किसी दोस्त को परचेस करना हो तो भाई से कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।